Before and after, yes guys, once again welcome to Shyama's Makeover Channel. Dear friends, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लॉन्ग लेयर हेयर कट विदाउट लूजिंग लेंथ. आप लॉन्ग लेयर हेयर कट कैसे कर सकते हो विदाउट लूजिंग लेंथ, लेंथ को लॉन्ग रख के आप कैसे लॉन्ग लेयर्स कर सकते हो. तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताने जा रही हूँ. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि खूबसूरत सा हेयर कट मैंने कैसे किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टेप वन, तो बैक साइड के बालों को मैंने टक किया सेक्शन क्लिप से. मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ. तो फर्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रेट कट किया नोज़ के पास ले जाके, और ये मुझे गाइडलाइन मिला, उस गाइडलाइन को लेते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप कट करूँगी. स्टेप टू, सो जिस तरह से मैंने क्लाइंट के राइट साइड में ले जाके कट किया, उस तरह से क्लाइंट का मैं लेफ्ट साइड में आई हूँ और लेफ्ट साइड के बालों को कट करूँगी. आप देख सकते हैं. सो अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपने गाइडलाइन लेना है. गाइडलाइन लेते हुए मैं कट कर रही हूँ, देख सकते हैं आप. तो गाइडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत ध्यान रखना है आपने. सो मैं चेकिंग कर रही हूँ दोनों साइड से, कहीं शॉर्ट और कहीं लॉन्ग तो नहीं है. तो मैं देख रही हूँ क्लाइंट का जो लेफ़्ट साइड है थोड़ा सा लॉन्ग है, तो मैं इस साइड आई, क्लाइंट की लेफ़्ट साइड में आई हूँ दोबारा, और दोबारा से मैं कट कर रही हूँ. देख सकते हैं आप, चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब मैं जितने भी बैक साइड के बाल हैं उनको मैं शोल्डर में ले जाके, मतलब फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड ले जाके कट करूँगी. गाइडलाइन जो आपने फ्रंट में कट किया है वो हमारा गाइडलाइन है. देखिए, बैक साइड के बालों को मैं ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले रही हूँ, और उसको मैं फ्रंट में ले जाके पहले कॉम करती हूँ और उसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ. अगेन थोड़ा सा सेक्शन निकाला और उसके बाद उसको थोड़ा सा आप फॉरवर्ड में लेके आए, फ्रंट में ले जाके, और आपने इसको कट कर दिया. तो मेक श्योर जो फ्रेंड्स, आप बैक के सारे बालों को फ्रंट में ले जाके कट करते हो तो उस टाइम पे आपकी लेंथ शॉर्ट नहीं होती. यहाँ पे आप देख सकते हो जितना मैं बैक के बालों को फ्रंट में ला रही हूँ, उसमें उस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि लेंथ हार्डली कट कर रही हूँ मैं. यहाँ पर हार्डली हाफ हाफ इंच ही कट हो रहा है बॉटम इनका, यू कैन सी. सो सेम वे जिस तरह से आपने लेफ्ट साइड में कट किया, आप क्लाइंट के राइट साइड में आइए, और राइट साइड में आप देख सकते हो जो आपने फ्रंट से जो मैंने हेयर कट किया वो मेरा गाइडलाइन है, और उसको लेते हुए मैं कट कर रही हूँ. बैक के सारे बालों को मैं कॉम कर रही हूँ, फॉरवर्ड लेके आके कॉम कर रही हूँ. देख सकते हैं आप, सारा मैंने फ्रंट में ला के कट कर रही हूँ. इसमें इनकी लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनको अपने हेयर से बहुत प्यार है. आप देख सकते हो कितने लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर शॉर्ट हो जाए तो यू नो इट्स वेरी बैड. तो मेक श्योर कि आप इस तरह से हेयर कट कीजिए फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि हेयर जो है बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगा, और यू कैन गिव अर नाइस लॉन्ग लेयर हेयर कट. सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं अभी दोनों साइड से मैंने कट किया, अब मैं बैक साइड से क्लाइंट को यू शेप दे रही हूँ. तो जब मैं यू शेप दूँगी उसमें मैं हार्डली कट करूँगी, हार्डली हाफ हाफ इंच ही कट कर पाऊँगी, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट हेयर कट हो जाता है, लेकिन आपको उसके बाद बेस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो जो इनका बेस मैं इनको दे रही हूँ वो है यू, मैं इनको यू शेप दे रही हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने यू शेप इनको क्रिएट किया है.
सो अभी मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड में आई हूँ और देखिए मैं क्राउन सेक्शन में आके मैं इनको पूरे बालों को 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। सो सेक्शन बाय सेक्शन मैं ले रही हूँ। देखिए डिवाइड किया, इस सेक्शन को मैंने क्लिप लगा के छोड़ दिया, थोड़े से बाल को मैंने लिया। ये देखिए मेरा गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन लेते हुए थोड़े से बालों को मैंने इसे कॉम कर रही हूँ। देखिए सेक्शनिंग निकाल रही है, बॉक्स सेक्शन होगा पूरा क्राउन में, पूरा ऑलमोस्ट बॉक्स सेक्शन आपको निकालना है और इस तरह से कॉम कर रही हूँ। देखिए थोड़े से नॉट्स हैं इनके बालों में, थोड़ा ड्राई, हल्का सा ड्राई, ज़्यादा तो ड्राई नहीं है, बट वही अच्छे से कॉम भी करना है फ्रेंड्स अगेन। और ये देखिए 90 डिग्री में उठा के मैंने ये कट कर दिया। सो इस पूरे बॉक्स एरिया को आपने 90 डिग्री में हेयर कट करना है। सो अगेन मैं यहाँ पे देखिए सेक्शनिंग निकाल रही हूँ, दोनों सेक्शन को इसको क्लिप किया और ये मेरा गाइडलाइन था। गाइडलाइन को लेते हुए थोड़ा सा बैक साइड से हेयर को लेते हुए और इसको कॉम कर रही हूँ और कॉम करके मैं अगेन इनको 90 डिग्री में हेयर कट करूँगी। सो इसी तरह आपने सेक्शन बाय सेक्शन फ्रेंड्स कट करना है। देखिए मैं इसको 90 डिग्री में उठा रही हूँ और इसको कट कर रही हूँ, फिर अगेन दो पार्टीशन में डिवाइड किया। और अब मैं अब मैं बैक साइड में आई हूँ और बैक साइड में क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने क्राउन सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब मैं बैक साइड में आई हूँ और मैं बैक साइड में आने के बाद मैं यहाँ पे देखिए कॉम कर रही हूँ, अच्छे से कॉम करना है फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैंने कट किया 45 डिग्री में और उसके बाद थोड़ा सा और उठाया और उसके बाद इनको मैं 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं गाइडलाइन ले रही हूँ साथ साथ, ये देखिए गाइडलाइन है और थोड़े से बाल मैंने एक्स्ट्रा लिया, गाइडलाइन और जो उनके जो बाल मैंने नहीं काटे थे वो बाल और गाइडलाइन दोनों को लेते हुए अब मैं इनको कॉम कर रही हूँ और उसके बाद पहले 45 डिग्री में कट करूँगी, फिर थोड़ा सा और उठाऊँगी और उसके बाद फिर अगेन 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट इनका हेयर कट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं इनको सेक्शनिंग कर रही हूँ ब्लो ड्राई के लिए, मुझे इनको अच्छे से ब्लो ड्राई देना है। मैं इनको इन एंड आउट ब्लो ड्राई दूंगी, इसीलिए मैं इस तरह से सेक्शनिंग कर रही हूँ। पहले आपने बॉक्स सेक्शन करना है। हमेशा फ्रेंड्स याद रखना है कि जब आप ब्लो ड्राई करते हैं उस टाइम पे आपने ऐसे ही सेक्शनिंग करना है। अगर आपको मेरा ब्लो ड्राई का वीडियो देखना है, इन एंड आउट ब्लो ड्राई मैंने किया हुआ है काफ़ी अच्छा से, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो फॉर ब्लो ड्राई। सो यहाँ पे मैं देख सकते हैं डेनमिन का और मैं यहाँ पे मोरकुन के ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ, सारे मीडियम और स्मॉल ब्रशेज यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इनको पहले स्ट्रेट कर रही हूँ, देखिए मीडियम ब्रश से स्ट्रेट कर किया, उसके बाद स्मॉल ब्रश ले रही हूँ, देखिए मोरकुन का स्मॉल ब्रश लिया और सबसे पहले मैंने इनको कर दिया आउट, आउट किया और उसके बाद हीट लगाया, हीट देना है अपने। फिर अब मैं मुरुकुन का स्मॉल ब्रश ले रही हूँ और उससे मैं आउट कर रही हूँ, फिर हीट दे रही हूँ। फिर उसको ओपन किया और एक डेनमिन का मैंने मीडियम ब्रश लिया और उसको मैं आउट कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसको हीट देके छोड़ दूंगी। ये देख सकते हैं आप, हीट दिया और मैंने इसको छोड़ के फिर मैंने अनदर सेक्शन लिया। तो मैं खाली स्ट्रेट कर रही हूँ, पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है देखिए, और बॉटम को मैंने फ्रेंड्स छोड़ दिया है, देख सकते हैं बॉटम पे मैंने स्ट्रेट नहीं किया है, बॉटम पे मैं डायरेक्ट ही आउट कर रही हूँ। ये एक स्पेशल ट्रिक है ब्लो ड्राई करने का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। जब आप पहले ही स्ट्रेट करके बॉटम को भी स्ट्रेट कर दोगे तो आपका ब्लो ड्राई ज़्यादा स्ट्रे नहीं करेगा, लेकिन खाली स्ट्रेट करो मिड लेंथ तक और उसके बाद नीचे नीचे डायरेक्ट आउट करो और उसके बाद आप देखना आपका जो ब्लो ड्राई है वो लॉन्ग लास्ट करेगा। देख सकते हैं मैंने आउट किया, मैंने दोबारा ओपन किया और दोबारा से मैं हीट दे रही हूँ इसको। दो तीन बार मैं ओपन करती हूँ, फिर टाइट करती हूँ, फिर ओपन करती हूँ ब्रश को, देख सकते हो, फिर दोबारा से मैं हीट देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने इसको यू नो ओपन किया, फिर दूसरा मैंने ब्रश लिया, ठीक है ये भी स्मॉल ब्रश ही है मोरकुन का, एक साइज़ थोड़ा बड़ा है, मीडियम ब्रश है,
तो इसमें मैं आउट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको सेक्शन बाय सेक्शन पूरे बालों में ब्लो ड्राई करूँगी फ्रेंड्स। और जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका आफ्टर ब्लो ड्राई एंड आफ्टर हेयर कट इज़ लुकिंग अमेजिंग। यू कैन सी सच अ नाइस लॉन्ग हेयर विद अ नाइस बाउंस ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, जो मेरी क्लाइंट है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इनके हेयर भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इनके बाल भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और इतने लंबे बालों में ऑफकोर्स एवरी वन इज़ बिकम वेरी कॉन्शियस, बट आई नो, आई प्रोमिस सर कि मैम मैं आपको बिल्कुल भी लेंथ शॉर्ट नहीं करूँगी, मैं आपके लॉन्ग हेयर में ही काफ़ी अच्छा हेयर कट दे दूँगी। और फाइनली आप देख सकते हो कि इतनी खुश है मेरी क्लाइंट यहाँ पर, इनको काफ़ी बाउंस भी दे दिया है मैंने और लेंथ भी शॉर्ट नहीं किया है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो फ्रेंड, ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस जो मैंने प्रीवियस वीडियो आप मेरा चेक कर सकते हो, मैंने कितने सारे वीडियोस बनाया है इस तरह से ट्यूटोरियल, और उसमें मैंने मेंशन किया है कि लॉन्ग लेयर्स आप कैसे दे सकते हो विदाउट शॉर्ट किए बालों को, आप कितनी खूबसूरती से हेयर कट कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको मेरा ये खूबसूरत सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाय गाइस, सी यू सून।